चल चैनल और आप सब कैसे हैं दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार। और आप सबको मैं क्या बताऊँ, ढेर सारा मैं भी आप सबको प्यार करती हूँ और आप भी सब मुझे प्यार करते हैं, तो मैं आप सबकी झूनू और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए आज की वीडियो पर मैं क्या खास दिखाऊँ आप सबको, मैं सोच रही थी कुछ तो खास दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ। एक काम करती हूँ, रेसिपी तो मैं हमेशा देती हूँ और भी कुछ कुछ मैं आप सबसे शेयर करती हूँ, तो आज चलिए मैं टी गार्डन दिखाती हूँ जो कि है बिल्कुल मेरे घर के सामने। और सामने मतलब थोड़ी सी दूर है, हम बाइक से आराम से जा सकते हैं। तो ये वाले जो वीडियो है तो ये है थोड़ा सा मतलब दूर के जो है मंगल डोई जो सामने है जहाँ मेरी बेटी मतलब रहती है छोटी बेटी, तो वो गई है। आज मेरा तो लॉकडाउन है यहाँ पे, आप सबको पता ही है कि आसाम में लॉकडाउन चल रहे हैं, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, कहीं आ नहीं सकते, गाड़ी नहीं चल रही है। तो मैं आपसे क्या शेयर करूँ क्योंकि मैं बाहर ही नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं बेटी को बोली थी बेटी आप जब घूमने गए हो, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है मंगलदेव में, तो वो गए थे वहाँ से फ्रेंड के साथ में थोड़ी सी घूमने के लिए, वो है टी गार्डन में। तो चलिए वही टी गार्डन मैं आपसे शेयर करती हूँ, आई होप आप सब बहुत इंजॉय करेंगे। और मैं किचन में मैं खड़े होकर मैं बात कर रही हूँ आप सबसे, तो क्योंकि घर में एक घर में पढ़ा रहे हैं मेरे बेटे और एक घर में मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, तो बहुत नॉइस है, बहुत आवाज़ है, तो सुनाई नहीं देंगे आप सबको। तो मैं सोची चलो किचन में काम करते करते आप सभी थोड़ी देर बात कर लेती हूँ और मैं शेयर कर देती हूँ वीडियो आज की। आई होप आप सब बहुत एंजॉय करेंगे करेंगी। और देखिए अभी मैं थोड़ी सी तैयार हूँ इसलिए ताकि मतलब छोटी सी पूजा है तो पूजा ही करनी है, तो इसके लिए मैं नहा धो कर मैं अभी तैयार हो गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे वीडियो भी शेयर कर दूँ। तो मेरी किचन बहुत छोटी है फ्रेंड्स, प्लीज़ मत जाइएगा। जब मेरा घर जो ओरिजिनल जो घर है जब वो बनेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो फिलहाल जो मतलब क्वार्टर सिस्टम घर मैंने बनाया है ये भी अपना ही है, तो हस्बैंड और 3 साल है अभी रिटायरमेंट के, तो बनाऊँगी जब आप सबसे शेयर करूँगी। तो मैं तो चलिए तब तक मैं तो चाय भी बनाना शुरू कर देती हूँ। चाय एक बार मैं पी चुकी हूँ लेकिन फिर और एक बार बनाना है। तो फिलहाल तो मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो टी गार्डन है बहुत ही सुंदर है दोस्तों, पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि लॉकडाउन है। तो जो मेरे सामने भी है एक टी गार्डन, वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी, तो वो उसमें तो मुझे आप खुद ही देखेंगे कि मैं उस वहाँ पे हूँ। तो आज जो मैं दिखा रही हूँ ये भी आसाम का बहुत अच्छा सा बहुत सुंदर और इतनी सुंदर मनमोहक जो टी गार्डन है, तो मैं आप सबसे शेयर करूँ, प्लीज़ चलिए कंटिन्यू देखिए, तब तक मैं थोड़ी देर काम भी कर लेती हूँ। है तो मेरी किचन आपको अभी अंधेरे अंधेरे लग रहे हैं क्योंकि अभी हमने जस्ट चाय पी है, तो अभी चाय क्या करूं, तो चाय तो बन चुकी है। अब हाँ बेटी ने थोड़ी सी चना बनाएंगी, चना मसाला तो वही सब रेडी करके रख ली, तो बेटी आज बनाएंगी तो मैं वही आप सबसे शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले तो मैं कुछ और पका लेती हूँ, नाइट का कुछ पका लेती हूँ और आपसे शेयर भी करते रहती हूँ। अगर आप सब भी जिसको देखते रहिए मेरी जो टी गार्डन है, तो चलिए बन रही है खसखस हरी मिर्च, अब मैं इसमें डालूंगी। तो हमारी देखिए ये बॉईल हो चुकी है, फ्राई भी हो चुकी है साथ में। तो हमारी ये बंगाली डिश है, तो मैं ये अपनी वर्जन बना रही हूँ, मैं ऐसे बनाती हूँ और बंगाली टाइप भी बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ शुगर, क्योंकि शुगर थोड़ी सी डालनी है 1 पिंच ओनली। और मैं अभी डाल दूंगी जो ये पीसा हुआ है खसखस, अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ी देर तक भूनेंगे और कवर कर देंगे। इसको ज़्यादा भी भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खसखस जो है ये पीस के लिए हम सब खाते हैं, तो ये कच्चा भी खा सकते हैं, बहुत रकम का डिश बनती है। मैं आप सबसे एक एक करके शेयर करूँगी। अगर दोस्तों आप सबको अगर मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी
नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थोड़ी सी इसमें तेल ज़्यादा लगती है और मैंने यहाँ पे यूज़ की थी मस्टर्ड ऑयल। नमक आप अपना स्वाद अनुसार दीजिए। अब मैं थोड़ी देर कवर कर देती हूँ और थोड़ी देर अभी पकाऊंगी, ठीक है। दोस्तों आपको कैसे लग रही है वीडियो? मैं वीडियो के बीच में आप सबसे बोल रही हूँ, आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे शेयर करके कि मैं टी गार्डन आप सबसे शेयर करूँ। तो चलिए बने रहिए और भी देखते रहिए एंड तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप सब मेरे साथ बने रहेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तो आज के लिए बस बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरी वीडियो। तो आज के लिए